हेलो अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दानिश अहमद। और यार, काफ़ी अर्से बाद मैं हफ्ते में भी ब्लॉग लेके आ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं यार, इंशाल्लाह आएंगे ब्लॉग्स। थोड़ा सा बिजी हूँ कुछ कामों में, तो इसलिए टाइम निकाल रहा हूँ आज भी। तो यार, आज मैं जा रहा हूँ कज़िलाए। मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं टेल यू। मुझे दरअसल अब मेरा टाइम आ गया है, मेरा टाइम नहीं, मेरा कैमरे का टाइम आ गया है एक्सपायर होने का। तो 26 को आखिरी डेट है, तो उससे पहले पहले मुझे इंश्योरेंस निकलवानी है, पिक्चर खिंचवाना है, और मुझे अप्लाई करना है किमले के लिए। रिक्वायरमेंट्स क्या है अभी मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस पर। प्राइसेस क्या कुछ नहीं बता सकता। खैर, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है आजकल, ठीक है ना। अभी मैं जाऊँगा, मैं लेता हूँ, फिर जो जो प्राइस होगी मैं आपको अच्छा बताऊँगा भी आगे जाके, यहाँ पर इंश्योरेंस की प्राइस क्या है अभी, जो कि लाजम चाहिए होती है। तो अभी जाएंगे, पिक्चर खींचेंगे और इंश्योरेंस लेंगे। आइए मेरे साथ आप लोग। यार, सुबह थोड़ी स्नोफॉल, कल से थोड़ा सा हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, तो आज भी स्नोफॉल हुई है। अभी भी मेरे ख्याल से हल्की हल्की हो रही है, आपको शायद नज़र ना आए, लेकिन हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की हो रही है। और स्नो है, -4 है भाई, सही इंतहा की ठंड है, मज़ेदार किस्म की। तो चले चलते हैं कज़िलाए, आज काम करते हैं अपना सारा सारा, जुड़े रहिए मेरे साथ। यार, मैं अभी कज़िलाए आ गया हूँ, बस अभी जा रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, देखता हूँ पहले पिक्चर्स करवाते हैं, इंश्योरेंस ऑफिस ढूंढता हूँ, इंश्योरेंस करवा कर, तो उसके बाद अभी चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको सारा कुछ। और कज़िलाए में यार स्नोफॉल नहीं है बिल्कुल भी, और यहाँ पर ना बर्फ़ जमी हुई, कुछ भी नहीं, इस तरह का सूखा सूखा पड़ा सब। देखिए देखें आप ज़रा, olduğu veya vakıf çalışanının kurum eşi emeklisi 25 yaşını aşmamış çocuğu şeklinde. यार, सिक्योरिटी तो हमने ले लिया, और पिक्चर जो है यार वो मैं अपने घर के पास जाकर कराऊंगा वहाँ से। अभी लग रहा है कि स्नो शुरू हो गया, ठंड क्या मज़ेदार ठंड है यार, स्नो कैमरे में नज़र नहीं आएगी, लेकिन सिक्योरिटी पकड़ लिया। इसकी प्राइस मैं आपको घर जाके बताऊंगा भाई क्या प्राइस हमें पड़ी है, और आपको मैं कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ, आप इंजॉय करें इसको देख के। तो यार, मैं घर वापस आ चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं इंश्योरेंस लेने के जा रहा हूँ। और पिक्चर्स मैंने आज नहीं खींची, क्योंकि पिक्चर्स जो है वो मेरा कल का, मेरे ख्याल से है, हाँ कल मेरी, मैं खिंचवाने के लिए चला जाऊँ, लेकिन जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस मैंने आज जो है वो ले लिया, ठीक है। और इंश्योरेंस से अगर मैं आपको अपडेट दूँ, इंश्योरेंस जो है यार वो महंगी हो गई है, महंगी भी हो गई, इसमें एक फ़ायदा भी निकला है, कि फ़ायदा क्या है इसके अंदर, मैं सब बताता हूँ अभी आपको इसमें। अभी यार, सबसे पहले तो ये मैं आपको ये बताता चाहूँ कि इंश्योरेंस हम पहले लेते थे किमलिंग बनाने के लिए 150 का, ठीक है, 150 लीरा का लेते थे हम लोग इंश्योरेंस, ठीक है। और उस पर हमें हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं इसको, ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस ही कहते हैं इसको, और 150 का ही मिलता था पहले हमें। 2 महीने पहले की बात है भाई, मैंने एक बार लिया है, लाइक किसी से पता किया मैंने, बट महीने 2 महीने में ये सब चेंज हो गया, महीने महीने पहले की बात है कि ये सब चेंज हो गया, और सिक्योरिटी जो है वो महंगा हो गया। 150 में हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था, लेकिन वो हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ किमले के काम आता था, वो हमें हॉस्पिटल के काम नहीं आता। अगर कहीं जाते, हम हॉस्पिटल कहीं जाते हैं या चेकअप कराते हैं या टेस्ट कराते, तो हमें कहीं पर काम नहीं आता था कुछ भी, 100% पैसे हम पे करते थे। लेकिन अब जो इंश्योरेंस इन्होंने किया है 2022 में, अब इसमें ये इन्होंने अपडेट किया कि भाई सिक्योरिटी जो है वो अब मिलना शुरू हो गया है एज के मुताबिक, आपकी एज जितनी होगी उतने पैसे आपके सिक्योरिटी के। अब मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया देता हूँ कैसे, मतलब के लेट सपोज मैंने जो सिक्योरिटी लिया, मैं हूँ 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मैं 21 साल का हूँ, और मुझे जो सिक्योरिटी मेरा पड़ा है, ये पड़ा है 800 लीरा का। आप प्राइस चेक कर रहे हो, 150 से सीधा 800 पे पहुँच गया। अच्छा, अब ये है 20 से 25 साल के दरमियान में, ठीक है। अब इसके पैसे ज़्यादा हो भी सकते हैं, मैं इस पर आपको गारंटी नहीं दे सकता कि भाई ये इतने ही हो हैं, बस ज़्यादा हो भी सकते हैं, क्योंकि जब से लीरा का अनबन चला हुआ है, लीरा बड़ा नीचे आ चुका है, मसले मसाइल बने हुए हैं, तो
हर चीज़ बड़ी महंगी हो गई है, हर आए दिन प्राइस चेंज होते रहते हैं। अब किमलिंग बनाने के लिए बहुत सी डॉक्यूमेंट्स चेंज हो गए हैं, किमलिंग के पैसे भी बढ़ गए हैं। अब किमलिंग के पैसे पे जब मैं उसको अप्लाई करूँगा तब पता लगेगा मुझे कितने पैसे हैं, तो मैं वो मैं इंशाल्लाह आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा कि अब रिसेंटली अपडेटेड क्या प्राइस है किमलिंग की, वो मैं आपको बताऊँगा और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इंशाल्लाह वीडियो आएगी आपके पास जल्द। तो मैंने जो सिकोड़ता लिया है वो लिया है गुरु पामा का। गुरु पामा यार एक पहली बार मैंने इनके सिकोड़ता लिया है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस इनका, और मुझे 800 का पड़ा ये, और ये मैंने कजलाई से लिया है। मैंने दरअसल मैंने 5-6 जगहों से पता किया पहले नॉर्मल के भाई इसकी प्राइस क्या है मेरे आँखें के लिए, तो जो मैंने इस पे लिए है कि मेरा 800 पड़ गया। अच्छा, आप जो 26 साल के हैं उनका है 1000 तक का, 980 समथिंग इतने का है, और जो 30 साल से ऊपर है उनका पड़ रहा है 1150-1200 का, ठीक है। अब ये तो सारे आगे के भाई 18 से अबव, अब जब 18 के जो होगा 20 से जो नीचे होंगे तो उनके जाहिर से बात है कम होंगे 18 के बाद, मुझे नहीं आ गया उसका, मैंने पूछा भी नहीं था सर। बट जो बच्चे हैं, जो अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने अपने बच्चों के लिए बनवाना है ये सिकोड़ता हेल्थ इंश्योरेंस ताकि हॉस्टल में काम आए, तो उनका जो है वो प्राइस, मैं अगर इस टाइम प्राइस मैं आपको प्राइस बताता हूँ कि, तो अगर 4-5 साल का बच्चा है तो उसकी जो प्राइस है बच्चों के महंगा है, उनके 1500 लग सकता है आपका, 1400 हो सकता है, हमने पता किया था मैंने जो पहने तो हमें इतने का हमें सुनने को मिला था। तो हाँ, अब इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा हमें कि यार हमें चलो महंगी तो हो गई है, अब इसमें फ़ायदा हमें भी मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है यार, जब हम पहले हॉस्पिटल जाते थे ना अपना चेकअप कराते थे, हम जब जब टेस्ट होते थे तो उसमें हमें 100% हमें देना पड़ता था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे पैसे लगते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जब आप इंश्योरेंस करवाओगे इस पर डिफरेंट इंश्योरेंस है, जब हम करवाते हैं ना इस पर डिफरेंट है, लाइक हाउ हम अब ये इंश्योरेंस जो है ना जो मैंने लिया है इस पर मैं इस पर क्या सिस्टम है, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ होता है या मतलब कि हॉस्टल जाना पड़ता है तो अब क्या होगा, मेरे अगर टेस्ट वगैरह कुछ होते हैं, अगर मैं बताऊँ आपको तो 60% इंश्योरेंस वाले पे करते हैं और 40% मैं खुद अपने जेब से दूंगा। तो ये चीज़ अब निकल आई है जो कि पहले नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि यार चलो महंगी तो होगी लेकिन इसमें फ़ायदा भी आपको मिल रहा है। तो ये आपका अच्छा, इसमें मेडिसिन नहीं इंक्लूड जो होते हैं ना मेडिसिन लेने हैं हमने, तो इसमें ये वो नहीं इंक्लूड जैसे आपके हॉस्पिटल के जो अखराजात है उसमें शामिल है बस, जब अगर आपको टेस्ट करवाने हैं चेकअप वगैरह करवाना है तो ये उसके लिए आपका यूज़ होगा। और अभी इसकी प्राइस 800 है, मे भी इसकी प्राइस ज़्यादा हो सकती है, कोई पता नहीं है भाई तुर्की वालों का, आजकल में कुछ भी करी जा रहे हैं। तो ये एक न्यू अपडेट थी, मैंने कहा आप लोगों को दे दूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि महीने पहले चेंज हुई, मुझे खुद कुछ दिनों पहले पता लगा है, तो मैं अपडेट देता हूँ। अभी किमलिक की फ़ीस क्या होगी और क्या सिस्टम न्यू है इसका, वो भी इंशाल्लाह आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगा। उसके लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया कर दो, और अगर वीडियो पसंद आई है आज की तो यार लाइक कर देना, अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो उससे लाइक कर देना, और फिर तो आपसे होती है इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात। मैं मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी कम बना रहा हूँ आजकल, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं यार, एक इंशाल्लाह बताऊँगा आपके आने वाले वक्तों में। तो बस यही थी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट्स भी लाजम करना छोड़ देना, कमेंट्स बताना मुझे कैसे लगी आपको, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। होती है आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।